हेलो दोस्तों, मैं अपना चैनल जीके खजाना में आप लोग का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोगों ने फिर से वन वर्ड सॉल्यूशन का पार्ट 5 बनाया है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगला जो वीडियो आने वाला है वो स्टडीज़ रिलेटेड रहेगा, और आज हम लोगों ने 20 वर्ड्स को बनाया है जो कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली करंट अफेयर के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आज चलिए बिना किसी देर को इसको स्टार्ट किया जाए और एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है? कि स्टिक से कोई मारा तो स्टिक से आपको मारेगा कोई तो क्या होगा? साउंड निकलेगा। स्टिक से मारेगा कोई तो क्या होगा? साउंड निकलेगा, तो स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, एरोनॉटिक्स, तो इसमें तो सबसे पहले ही एयर लगा हुआ है, तो बस समझ जाए कि द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट से रिलेटेड। ठीक है, फ्लाइट एयर से ही रिलेटेड होगा, यहाँ तक समझ आ गया। उसका देखिए एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स मतलब क्या होता है? एस्थेटिक्स हम लोग जो क्रीम पाउडर रेस्ट्रो ये सब जो लगाते हैं, जो भी फेस वाश ये सब लगाते हैं, सौंदर्य शास्त्र के मतलब से रिलेटेड होता है। जैसे एस्थेटिक्स है तो सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब है कि आपको आर्ट आना चाहिए। जैसे द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेगा, जिसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने बनाया था, बट जो भी हो सका वर्ड इंपॉर्टेंट का मैंने बनाया और रख भी दिया, कुछ कुछ वर्ड का मैं ट्रिक नहीं बना पाया। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का है कि इसका हिंदी होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। ठीक है, मनुष्य जाति का विज्ञान, तो एंशियंट टाइम से जो चलते आ रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ समझिए कि द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन फिजिकल एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यहाँ तक अरबोरी कल्चर, अरबोरी कल्चर का मतलब होता है कि ये भी एंशियंट, अरबो कल्चर, तो मतलब कि कल्चर का जो एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है, एंशियंट यानी कि प्राचीन समय से जो चलते आ रहा है, उसको हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में उसको जो ये वर्ड बनाया है एंशियंट टाइम के लिए, कल्टिवेशन के लिए ही बनाया गया था, और इसका हिंदी होता है चरागाह। और इसका एक इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स होगा। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का ट्रिक बस सिंपल रखे कि कैली नाम की कोई लड़की है, उसका ग्राफी बहुत मस्त है, यानी हैंड राइटिंग उसका बहुत मस्त है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनो से बस इसको याद रखे कि पहले से अब तक जितना भी कुछ हुआ है, अब तक जो जितना भी कुछ हुआ है उसको हम सब क्रोनोबायोलॉजी में रखते हैं, तो बस इसका मतलब ही है कि इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है कि द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिक्स का मतलब मैटिक्स, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करिए कि मैटिक्स से बस याद रखिए, देखिए मैटिक्स, मैटिक्स को यहाँ पर समझिए कि माचिस, माचिस तो जब लाइट उसको जलाएंगे तो रंगीन जलता है, तो बस यहाँ से रखिए कि द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। सब ट्रिक्स एक एक वर्ड ट्रिक से हम बताएंगे आप लोग को। मैटिक्स, मैटिक्स मतलब माचिस समझ जाइए, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। कॉस्मोगोनी, गोनी से आप समझिए कि कुछ हेवनली बॉडीज के बारे में बात करेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी गोन का मतलब साइड होता है, तो बस यहाँ से आप समझिए कि द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ द हेवनली बॉडीज। उसका देखिए कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है कि द साइंस डैट डिस्क्राइब्स एंड मैप्स द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद देखिए कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, ब्रह्मांड का विज्ञान जो बताए कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी का मतलब समझ जाए कि द साइंस ऑफ द, जिस मतलब कॉस्मो जिसमें लगा, कॉस्मो जिसमें लगा वो अधिकतर आपको यूनिवर्स, हिस्ट्री, मैथ्स, इस सबसे रिलेटेड आधा से बेसी उसमें आपको कॉस्मो से जो भी रहेगा उसको में यूनिवर्स से रिलेटेड ही बात रहेगी। ये बात आप समझ जाइए, द साइंस ऑफ द नेचर ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है। अब देखिए क्रायोजेनिक्स, ठीक है, क्रायोजेनिक्स द साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। आप लोगों को मैंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक बहुत ही कम है। साइफर, अब मैंने बहुत सारे वर्ड का ट्रिक भी बनाया है, जैसे साइफर है, साइफर को आप हाइपर से समझिए। अगर कोई अगर व्यक्ति हाइपर है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, अंदर से उसका सब चीज़ सीक्रेट होगा, सीक्रेट राइटिंग होगा, सीक्रेट बोलना होगा उसका, सीक्रेट काम होगा उसका, तो बस समझ जाए कि द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, कला जो है सीक्रेट राइटिंग का, उसको हम साइफर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफर।
उसका देखिए डैक्टिलोग्राफी। डैक्टिलोग्राफी मतलब इससे समझिए कि डैक्टिल जो होता है वो हम लोग के हाथ में पाया जाता है। डैक्टिल क्या पाया जाता है? हम लोग का हाथ में पाया जाता है। बायोलॉजी में अगर कहीं पढ़े होंगे तो डैक्टिल जो है हम लोग का हाथ में पाया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बस डायरेक्ट जान लीजिए कि डैक्टिल मतलब कुछ हाथ से रिलेटेड बात होता है। तो बस द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स बस इतने ही से आप धर लीजिएगा कि द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट का स्टडी किया जाता है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो फिंगरप्रिंट का स्टडी किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब है कि दो विस्त परिस्थितिकी, इसका हिंदी क्या होता है, परिस्थितिकी, जिसमें दो चीज़ों के से मेंटेन रखे, इसलिए द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग एनिमेट और इनिमेट। ठीक है, इनिमेट का मतलब होता है अचेतन और एनिमेट का मतलब होता है चेतन, इससे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी तो किसी को भी याद रहता है, कीट विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एपिग्राफी, एपिग्राफी आप समझ सकते हैं कि एपिग्राफी मतलब पूरा लेख होता है, इसका हिंदी क्या होता है, एपिग्राफी का पूरा लेख। तो बस समझ लीजिए कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, शिलालेख जो कि इंस्क्रिप्शन है। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी अगर एन लगा हुआ है इसमें तो बस इसको ट्रिक्स याद रखें कि दो ही होता है, इथनोलॉजी और इथोलॉजी। तो इथनोलॉजी जिसमें एन लग गया तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस के बारे में बात करेगा, और डायरेक्ट इथोलॉजी करेगा तो द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर के बारे में बात करेगा। बस ये दोनों में ट्रिक यही एक फॉलो होता है। ठीक है, ये दोनों में एक ही चीज़ फॉलो होता है कि इसमें एन लगा हुआ है तो ह्यूमन रेसेस से बात करेगा, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट एनिमल के बिहेवियर से बात करेगा इथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी का मतलब है कि इटीमो, अभी आपको जितना ही बताए थे वो जैसे कॉस्मो बताया था, तो कॉस्मो किससे रिलेटेड था, कॉस्मो यूनिवर्स से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें इटिमोलॉजी है तो हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये आपको देखो इटिमोलॉजी तो ई टी जितना भी ई और टी, बस समझिए इसको डायरेक्ट कि ई ई है एक और क्या है टी, तो ये दोनों क्या है, वर्ड्स है। तो बस स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, और इसको हम इटिमोलॉजी को मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। आप लोग को मॉर्फोलॉजी मालूम होगा इसलिए कुछ हल्का वर्ड था तो मॉर्फोलॉजी नहीं बताएं, एटीमोलॉजी बताएं। इसलिए तो आज हम लोगों ने फिर से 20 वर्ड्स डिस्कस कर लिया स्टडी से रिलेटेड, और इसका स्टडी से रिलेटेड एक पार्ट और बनाएंगे जो कि पार्ट 6 में रहेगा, और उसके बाद ये स्टडी से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगा वन वर्ड सिचुएशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम फिर बताएंगे कि आगे क्या आने वाला है, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का टारगेट है कि 50 पार्ट बनाना है, तो बनाना है और बनाएंगे, और बीच बीच में जीके का वीडियो आप लोग के लिए डालते रहेंगे। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सो थैंक यू, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।